लोकसभा चुनाव के दौरान प्राइवेट नौकरी करने वालों को मतदान करने के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी, वहीं सरकारी कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। यह सूचना निर्वाचन आयोग की ओर से रायपुर कलेक्टर बसव राजू एस ने जारी की है। देखिए, गवर्नमेंट उस दिन छुट्टी घोषित किया है, शासकीय या जो भी कार्यालय है सब बंद रहता है, छुट्टी है ताकि लोग आके मतदान करें, यही उद्देश्य है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जैसे कंपनियां हैं, वहां पे क्या है, हम लोग उन लोगों को इधर से डीओ ऑफिस से हम निर्देश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां जो कर्मचारी हैं उन लोगों को रोटेशन में वहां जैसे करते हैं, हर 2 घंटे में जैसे पहला कुछ लोग जाके वोटिंग करके आ गए, उसके बाद फिर 2 घंटे में ऐसे रोटेशन में करने के लिए, लास्ट टाइम भी असेंबली इलेक्शन में किए थे, इस बार भी हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे सिलतरा है, उरला है, जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ का कंपनियों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से उन लोगों को सबको कवर कराते हैं। लोकसभा चुनाव इधर रायपुर में तीसरा फेज में हो रहा है, मतदान होगा 23 अप्रैल को। उसके हिसाब से रायपुर में तो पूरा तैयारी चल रहा है, जैसे हमको MCC लगने के बाद SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बनाना है, फ्लाइंग स्क्वाड बनाना है, वो सब बन चुके हैं। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर्स का बनाया है, 147 सेक्टर ऑफिसर्स है, फ्लाइंग स्क्वाड 69 है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम 25 है। उसके बाद हमारा EVM मशीन का FLC होने के बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी हो गया है, और उसके बाद नॉमिनेशंस का पूरा हो गया है, 25 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। तो उसके बाद उसको बैलेट पेपर का छपने का काम अभी चल रहा है, कल परसों तक आ जाएगा। उसके बाद EVM का कमीशनिंग का काम शुरू होगा। उसके बाद पोलिंग पार्टी अपने बना लिया है, उसका सेकेंड रैंडमाइजेशन हो गया, उसका अभी प्रशिक्षण चल रहा है 9 से 12 तक। उसके बाद उन लोगों को तीसरा प्रशिक्षण बाद में 18-19 को देंगे। तो उसके बाद जो इलेक्शन में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए EDC भी जारी किए हैं, पोस्टल बैलेट और EDC, ताकि वो लोग भी मतदान अवश्य करें। स्वीप एक्टिविटीज़ भी हम करा रहे हैं रायपुर में, मोर रायपुर वोट रायपुर के नाम पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और मतदान करें, यही हमारा उद्देश्य है। साथ में जैसे पुलिस का भी जो ड्यूटी लगता है उसके लिए भी फोर्सेस मांग की गई हैं, उसके वो भी उपलब्ध हो रहा है, उन लोगों को भी लगाएंगे। सेंसिटिव बूथ से और मॉडल बूथ से, संगवारी बूथ है, उसके बाद दिव्यांग बूथ है, सब आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पे भी पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस में जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो उपलब्ध कराना है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रैंप हो, छाया हो, सब व्यवस्था अभी वहाँ पर करा रहे, शौचालय हैं, सब व्यवस्था करा रहे हैं। तो इलेक्शन का पूरा तैयारी है, और MCC उल्लंघन के लिए भी जो भी शिकायत आता है उसको भी करने के लिए कंट्रोल रूम है, और सी विजिल में भी जो भी शिकायत आता है उसको भी के लिए हमारा FST टीम रेडी है, वो सब भी कर रहे हैं। साथ में सुविधा है जो इलेक्शन रैली वो सब के लिए, आम सभा के लिए परमिशन जो है उसके लिए वो सिंगल विंडो सिस्टम हमने खोल रखा है, तो ताकि अभ्यर्थियों को परमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी लेके वो लोग आपका जो प्रचार प्रसार है वो नियमानुसार MCC का उल्लंघन बिना करते हुए करें। For more information, log on to www.clips.in.